बैक टू माई चैनल। एक्चुअली ये डॉलर कमाने में बहुत बिजी थी, इस वजह से वीडियो नहीं बना पाई। जस्ट जोकिंग। मतलब काफ़ी फ्री थी मैं पिछले 2 3 4 हफ्ते में। मतलब मैंने इतना काम नहीं किया, पता नहीं, मतलब काम करने का मन भी नहीं कर रहा था और वीडियो बनाने का भी मन नहीं कर रहा था। बट जब मैंने देखा कि कुछ 5 से 10 सब्सक्राइबर मेरे बढ़ गए हैं, तो मुझे लगा कि मेरे को ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए, जो कि मैं कब से सोच रही थी। जो आज का टॉपिक रहेगा वो सर्चिंग एन अपार्टमेंट और बेसमेंट पे रहेगा। कि आप जब कनाडा आते हो तो सबसे पहले माइंड में होता है कि अब रहेंगे कहाँ, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत है, क्या कहाँ खाएंगे, क्या कैसे फैसिलिटीज़ होंगी। इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में आपको एक खाली अपार्टमेंट मिलता है, आप अपना फर्नीचर ले जाते हो, धीरे धीरे चीज़ें इकट्ठे करते हो, रसोई का सामान बनाते हो और खाते हो पीते हो, ऐसे रहता है। बट यहाँ ऐसे नहीं होता, यहाँ आपको 50% चीज़ें साथ में मिलती हैं अपार्टमेंट के। वो मैं आगे आगे आपको डिस्कस करूँगी कि वो क्या होगा क्या नहीं। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, और हमारी जो स्टार्टिंग रहेगी वो मैं आपको बता देती हूँ कि स्टूडेंट्स और या फिर कोई न्यू कमर्स आ रहे हैं पीआर लेके, या फिर कोई जॉब ढूंढ के आ रहा है वर्क परमिट पे, तो उन सब के लिए होगी, कॉमन होगी। बट स्टूडेंट्स का को थोड़ा सा हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि उनको एक अलग अपार्टमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनका बजट कम होता है, उनको शेयरिंग अपार्टमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है। वो भी मैं बताऊँगी कि आप कैसे सर्च कर सकते हो वो इंडिया में बैठे हुए। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे मैंने ये डायरी ली हुई है और इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, और वो मैं देख के या फिर मैं पॉइंट्स देख के आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो फर्स्ट पॉइंट है कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि अगर स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी कहाँ पर है आपकी, और सेकेंडली जो जॉब लेके आ रहे हैं तो आपकी जॉब कहाँ है, मतलब आपके एम्प्लॉयर किस सिटी में है। तो नंबर वन जो होगी वो सिटी होगी, कि किस सिटी में आपका एम्प्लॉयर रह रहा है या फिर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है वो सिटी। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बता देती हूँ कि ब्रैम्पटन के आसपास 3 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, या हैमिल्टन के नियर 3 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो आप हैमिल्टन में स्टे कर रहे हो, ब्रैम्पटन में कर रहे हो, पहले तो वो आपको ये डिसाइड करना है वो किस सिटी में है। अब आपकी यूनिवर्सिटी से क्या डिस्टेंस होगा, स्टूडेंट्स को और जो न्यू कमर्स को ये बात जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये इंडिया नहीं है। इंडिया में आप 5 किलोमीटर भी चल लेते हो ना तो इतनी बड़ी बात नहीं होती है, बट यहाँ आप 1 2 3 4 किलोमीटर नहीं चल सकते हो, क्योंकि यहाँ बर्फ़ बहुत होती है, 4 5 महीने तो बहुत रहती है। मतलब समर में नहीं रहती, बट समर में भी ठंड तो होती ही है, और जो थोड़ी बहुत गर्मी होती है उसमें आप इतनी दूर दूर तक चल नहीं सकते हो। तो आपको ये देखना है कि उसका डिस्टेंस कितना है, मतलब आप 5 से 6 किलोमीटर से ज़्यादा दूर ना ही लें, और अगर लेते हैं तो आप ये देखें बस फैसिलिटीज़ है कि नहीं। जैसे जिस सिटी में मैं आई थी वहाँ पर बिल्कुल बस फैसिलिटीज़ नहीं थी, जैसे हैमिल्टन एरिया में, ब्रैम्पटन एरिया में है बस फैसिलिटीज़, आपका एक बार पास बन जाता है, उसके बाद आप धीरे धीरे यूज़ टू हो जाते हो बसों में जाने के और जॉब करने के। बट जिस सिटी में मैं थी, जब मैंने डिस्कस किया अपने एम्प्लॉयर से, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, तो मतलब हाँ बहुत दूर पड़ता था, और बस सर्विस नहीं थी, तो और मेरे पास कार नहीं थी। तो वो चीज़ें भी देखने वाली हैं, आपको ये चीज़ें देखनी है और फिर आपको एक अपार्टमेंट डिसाइड करना है। तो पहली तो ये बात होगी कि सिटी कौन सी है, और सिटी में दूसरी बात है सिटी से एम्प्लॉयर का घर का, या फिर एम्प्लॉयर की यूनिवर्सिटी का, अगर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो डिस्टेंस कितना है। तो ये चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ है कि अगर आप बेसमेंट लेते हो, और बेसमेंट ही लेते हो, अपार्टमेंट बहुत कॉस्टली है कनाडा में, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है बहुत ही इंक्रीज़ हो गई है जब से मैं आई हूँ। मतलब जब मैं आई थी तब 1300 1400 में आपको एक बेसमेंट मिल जाती थी, आजकल 1600 1700 से कम नहीं मिलती है। हर सिटी की बात हो गई है ये, ब्रैम्पटन की भी, हैमिल्टन की भी, जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ तो 1700 से स्टार्ट होती है, बेसमेंट की बात हो रही है। अब बेसमेंट क्या होती है, बेसमेंट होती है कि जो एक यहाँ पर कैसे घर बने होते हैं, यहाँ पर दो तीन टाइप के घर होते हैं, डिटैच्ड होते हैं, सेमी डिटैच्ड होते हैं। तो एक तो होता है टॉप फ्लोर, एक होता है मेन फ्लोर, और एक होती है बेसमेंट। जो टॉप फ्लोर है उसमें सारे बेडरूम बने होते हैं, और 2 बाथरूम होते हैं, 3 बेडरूम हो गए, 2 बेडरूम हो गए, वो अलग अलग घरों का हिसाब होता है स्क्वायर फीट के हिसाब से। जो लिविंग एरिया है वो मेन फ्लोर पे होता है, ठीक है। मतलब जो इंडिया में फर्स्ट फ्लोर है ना, तो फर्स्ट फ्लोर में इनका उनको उस ये टॉप फ्लोर कहते हैं उसको, और जो मेन फ्लोर है वो लिविंग एरिया है, जहाँ से एंट्री होती है। उसमें लिविंग एरिया होगा, उसमें आपका किचन होगा, मेन किचन ही होगा, उसमें एक फैमिली रूम भी होता है, जो बड़े घर होते हैं उनमें फैमिली रूम होता है, पाउडर रूम होता है, जो छोटा सा बाथरूम बना होता है। ये हो गया मेन, ये तो ओनर के होते हैं। अब ओनर क्या करता है कि अपनी बेसमेंट को किराए पर दे देता है। तो बेसमेंट होती है नीचे, मतलब आपका जो मेन फ्लोर है ना, जहाँ से एंट्री है, उसके नीचे बेसमेंट होती है। अब बेसमेंट में क्या बातें देखने वाली हैं,
वो थोड़ी सस्ती भी होती है एज़ कम्पेयर टू टॉप फ्लोर और मेन फ्लोर। उसमें क्या बातें देखने वाली हैं वो मैं आपको नोट करवाऊंगी इस पॉइंट पे। नंबर वन आपने ये देखना है कि वो कितनी बड़ी है, मतलब उसमें वन रूम है या टू रूम है। अगर आप फैमिली आ रहे हो, हस्बैंड वाइफ है, एक बच्चा है, तो वन रूम काफ़ी है। एक लिविंग रूम होता है साथ में, मतलब एक रूम हो गया और एक लिविंग रूम हो गया। लिविंग रूम में आप बैठ के, साथ में वो किचन बनी होती है, आप खा पी रहे हो और मतलब सामने टीवी चला हुआ है। तो जैसे हमारा टीनेजर बच्चा है तो हमें तो छोटा ही पड़ता है, क्योंकि लिविंग एरिया में एक टीनेजर के साथ स्पेस शेयर करना बहुत मुश्किल है। उसकी अलग अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। बच्चे के साथ कर सकते हो जब अप टू 10 ईयर्स अगर वो है, फिर भी शुरू में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो एक रूम हो गया और एक लिविंग रूम हो गया, ये आपके लिए इनफ होता है। और अगर स्टूडेंट की बात करूँ तो वो बेसमेंट ले सकता है अगर उसका बजट 1300-1400 हो, और मुझे नहीं लगता इतना बजट किसी का भी होता है जो इंडिया से आ रहे हैं। तो उनको शेयरिंग बेसिस पे लेना पड़ता है, या तो वो अपने किसी फ्रेंड के साथ बात करके आएंगे या किसी से बात करेंगे, या फिर वो सर्च करेंगे कोई ऐसा पार्टनर कि वो दोनों मिलके 700-700 दे दें। इतना भी बजट नहीं होता, कहीं कहीं तो 400-500 ही देना चाहते हैं। तो फिर आपको तीन बच्चे ढूंढने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है, ओनर की परमिशन के बगैर दो या तीन बंदे शेयर नहीं कर सकते। वो उसने बोला ही यही है कि दो बंदे रह सकते हैं तो दो ही रहेंगे, मतलब तीन रह सकते हैं क्यों, उसका रीजन मैं आगे जाके बताऊंगी। तो वो आपको उसकी परमिशन लेनी होगी कि हम स्टूडेंट हैं और हमें तीन रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने इंडिया में जैसे होता है कि हमने बोल दिया कि जी हम ऐसे हमने मतलब मैंने लेना है, और फिर आप चाहे दो बंदों को रखो आगे, तीन को रखो और तुम तीन चार स्टूडेंट रह जाओ, ऐसा नहीं होता। आपको प्रॉपर उससे परमिशन लेनी पड़ती है और फिर उसके बाद आपको वहाँ स्टे करना होता है। वो आपकी सैलरी स्लिप वगैरह वो सब कुछ चेक होती है, बैकग्राउंड चेक वगैरह, ठीक है। तो ये चीज़ भी है। अब बेसमेंट में क्या क्या चीज़ें देखने वाली हैं वो मैं आपको बताती हूँ। नंबर वन मैंने आपको रूम बता दिया कि एक रूम है आपके लिए काफ़ी है, लिविंग रूम, ये उन लोगों के लिए जो पीआर लेके आ रहे हैं या वर्क परमिट पे आ रहे हैं, स्टूडेंट को शेयर करना पड़ेगा। नंबर टू, तीन चीज़ें होती हैं यूटिलिटीज़ में। यूटिलिटीज़ भी पूछनी बहुत जरूरी है। कई बार आपको लगता है अच्छा 1400 में मेरे को मिल गया, बट यूटिलिटीज़ एक्स्ट्रा है। तो यूटिलिटीज़ 200, 300, $400 तक भी जा सकती हैं। यूटिलिटीज़ में क्या आता है, हाइड्रो। हाइड्रो मतलब इंडिया की तरह यहाँ ऐसे नहीं है हर चीज़ में पानी गर्म आ रहा होता है। आप बर्तन मांज रहे हो, पानी गर्म आ रहा है। आप हैंड वॉश कर रहे हो, पानी गर्म आ रहा है। आप टॉयलेट जा रहे हो, पानी गर्म आ रहा है। आप कोई भी काम कर रहे हो ना, तो आपका पानी गर्म और ठंडा दोनों ऑप्शन होते हैं। आप दोनों को मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हो, गर्म भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ ठंडा पानी तो होता ही नहीं है, तभी मतलब बहुत बड़ी मतलब यहाँ पर बात है और बहुत कन्वीनियंस वाली बात होती है। नंबर वन हाइड्रो, हाइड्रो का खर्चा आता है, अलग से बिल आता है। नंबर टू इलेक्ट्रिसिटी, ये जितनी भी लाइट जल रही है और यहाँ वेंट लगे हुए हैं। अब मैंने ये टी शर्ट डाली हुई है, ये देखो -6 टेम्परेचर है, बाहर खड़ा भी नहीं होया जाएगा अगर मैं ये टी शर्ट डालूँ, मतलब खून ही जम जाता है, इतनी ठंड है। बट अंदर क्या है, यहाँ सारे हीटर सेंट्रली हीटर चले हुए हैं, उसके बगैर सर्वाइवल ही नहीं है। -14 भी था कल, -14 था, स्टॉर्म आया था, तो अंदर हीटर चल रहे हैं तो उसका अलग से बिल आएगा, उसको इलेक्ट्रिसिटी बिल कहते हैं, जिसमें आपकी गैस भी जल रही है, जिसमें आपकी अवन चल रहा है, माइक्रोवेव चल रहा है, टीवी चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, ये सारी इलेक्ट्रिसिटी में आते हैं। नंबर टू, नंबर थ्री इसी में इंटरनेट। अब आपके पास जो प्लान है उसमें 1 GB डाटा, यहाँ इंटरनेट प्लान बहुत महंगे हैं। मतलब जैसे इंडिया में महीने का अनलिमिटेड हो जाता था ना जियो में, या जियो शियो वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पर इंटरनेट के बहुत ज़्यादा प्राइसेस हाई हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि वाईफाई लेना बहुत ज़रूरी है। तो जो ओनर का वाईफाई होगा वो बीच में इंक्लूड है कि नहीं है, वो भी पूछना पड़ता है। तो ये तीन चीज़ें होती हैं, हाइड्रो, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंटरनेट। ये तीनों चीज़ें किस में आती हैं, यूटिलिटीज में। और अगर ये यूटिलिटीज 1400 रेंट के बीच में है देन वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो कितनी है, आप कितनी लोगे, तो वो जनरली लोग कह देते हैं कि 30% हम लेंगे। 30% मतलब टोटल बिल 600 आ रहा है, तो 6 3 18 18, तो 180 हम आपसे यूटिलिटीज़ का बिल लेंगे, तो ऐसे बोलते हैं वो। मतलब 30% 40, वो अलग अलग डिपेंड करता है। अब ये भी डिपेंड करता है कि एक बंदा मान लो बेसमेंट में रह रहा है तो उसकी यूटिलिटीज ऑब्वियस है कम आएंगी, क्योंकि वो नहाएगा कम, बिजली कम यूज़ करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ करेगा और सब कुछ है ना। और अगर मतलब उसमें तो फ़र्क नहीं पड़ता, हीटिंग सिस्टम तो सारा सेम ही रहता है, बट नहाने में, हाइड्रो में कपड़े वैसे ही धुलने हैं, फिर लॉन्ड्री है और वो सब कुछ। तो एक बंदे का अलग हिसाब है, उसके लिए यूटिलिटीज अलग होंगी। तो ये आपने उससे पूछना है कि ये जो रेंट है 1400, इसमें यूटिलिटीज हैं कि नहीं है। तो तीन चीज़ें मैंने आपको बता दी, हाइड्रो, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंटरनेट, ये तीनों चीज़ें हैं कि नहीं है। वो अलग से है तो कितनी पे करनी पड़ेगी, तो ये भी आपने देखनी है। तीसरा चीज़ फर्नीचर। अब फर्नीचर में हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक क्या, बेड चाहिए होता है, ठीक है। छोटा मोटा कंबल तो आप लेकर आए ही होते हो, ठीक है, और बेड चाहिए होता है। बेड भी नीचे अगर आपका छोटा सा गद्दा है, उस चादरें आप लेकर आए होते हो, तकिया ले आते हो छोटा सा, सोने के लिए काफ़ी है। एक कंबल, कंबल भी ले ही आते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट या फिर दूसरे भी लोग। नहीं भी लेकर आते तो पहले से ही कुछ ना कुछ अरेंजमेंट तो कर ही लेते हो, ठीक है।
और बैठने के लिए आपको सोफा चाहिए होता है, सोफा भी नहीं हो, दो तीन चेयर हो, तो वो पूछ लो उससे, जनरली वो प्रोवाइड करा देते हैं आपको, क्योंकि पहले कोई ना कोई रह के गया होता है या फिर उनको पता ही होता है। और उसके अलावा छोटी मोटी चीजें होती हैं, हैंड वॉश करना है, साबुन, टॉयलेटरीज। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा कि आप इंडिया से आओगे तो क्या क्या चीजें लेकर आओगे, तो वो देख लो, उसमें सारी चीजें इंक्लूड है। आपको यहाँ आके इवन राशन भी नहीं खरीदना पड़ेगा, उसमें थोड़ा बहुत आटा भी लेकर आओगे, दाल भी लेके आओगे, मसाले ले आओगे, चादरें हो गई, बेड और अपना स्वेटर्स हो गई, वो सब कुछ लेके आओगे, तो यहाँ आके तुम्हें इतनी ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली आपको जब वहाँ से सर्च करना है ना, तो बेसमेंट में ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और ये तो होगी दो बातें, तीसरी बातें लॉन्ड्री का पूछना हमसे कि लॉन्ड्री नीचे है या फिर ऊपर शेयरिंग बेसिस पे है। कई बार हमारी जैसे ऊपर ही है, तो ऊपर जो ओनर यूज़ करते हैं वो हम भी हर सैटरडे के सैटरडे वही यूज़ करते हैं, यूज़ करके कपड़े निकाल के, इसमें वहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक वॉशर होता है, एक ड्रायर होता है, कपड़े ड्रायर में से निकाल के नीचे ले आते हैं, उनको ठप के अपने अलमारियों में रख लेते हैं, मतलब अलग अलग से, ठीक है, ये होता है। और एंट्रेंस पूछनी है, एंट्रेंस दो तरफ से होती है, एक तो एंट्रेंस गैराज में से होती है, गैराज खोला उसमें से अंदर बढ़े और फिर उनके घर में से निकलते हुए नीचे जाते हैं, मतलब इसमें भी थोड़ी प्राइवेसी का चक्कर तो रहता ही है, कहीं कई लोग नहीं पसंद करते, हमें इतना फर्क नहीं पड़ता, हमारी फैमिली बहुत अच्छी है। तो दूसरा एक एंट्रेंस होती है अलग, मतलब बाहर से ही आपने दरवाजा खोला तो नीचे सीढ़ियां मिलेंगी आपको, आप अपनी बेसमेंट में घुस जाओगे, तो ये भी पूछनी है कि ये है कि नहीं है। और चौथा नंबर मैंने बताया ही था, फर्नीचर। तो ये तो बेसमेंट की बात होगी कि बेसमेंट में ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, नंबर वन रूम कितने हैं, लिविंग रूम साथ में है कि नहीं है, और किचन में आप हॉट प्लेट दे रहे हो या फिर कुक टॉप दे रहे हो, मतलब जिस पे आप खाना बनाओगे, नंबर टू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड इंटरनेट, नंबर थ्री लॉन्ड्री, लॉन्ड्री है कि नहीं, नंबर फोर एंट्रेंस कहाँ से है, गैराज से है या बाहर से है, और नंबर चार फर्नीचर। तो ये चार या पांच बातें बेसमेंट में आपको ध्यान रखनी है, ये पहले उससे पूछनी है, उसके हिसाब से ही किराया डिसाइड होता है। किराया बेसिक $1,000 होता है, मतलब मैं अपने एरिया की बात कर रही हूँ, तो ब्रैम्पटन में 800 होगा या फिर ऐसे होगा, बट यहाँ हमारे यहाँ पर 1,000 बेस चार्जेस है वन रूम बेसमेंट के, ठीक है। अब उसके ऊपर एंट्रेंस अलग है, ठीक है कि नहीं है, लॉन्ड्री सेपरेट है या शेयरिंग बेसिस पे है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट बीच में है कि नहीं है, रूम एक है कि दो है, उसके ऊपर डिपेंड करता है किराया। जैसे हम 1,500 दे रहे हैं तो इसमें उसमें बड़ी सारी चीज़ें हमने इंक्लूड की हुई हैं, और जैसे लॉन्ड्री भी हमें बीच में मिली हुई है, और हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इंटरनेट बीच में ही है, ठीक है। तो फर्नीचर भी कुछ दिया था उन्होंने, जैसे डाइनिंग टेबल दिया था, सोफा दिया था, तो ऐसे ये चीज़ें डिपेंड करती हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो वो चीज़ें तुम्हें पूछनी पड़ेंगी 1,000 के अलावा, ठीक है। तो बेस 1,000 है, उसके अलावा ये चार पाँच चीज़ें पूछनी पड़ेंगी। अब सर्च कैसे करना है, एक अच्छा अपार्टमेंट, अच्छी बेसमेंट कैसे सर्च करनी है और क्या रिक्वायरमेंट रहती है, उसके लिए बिल्कुल सेपरेट वीडियो है, वो मैं बहुत अच्छी तरह आपको बताऊंगी। आई होप इसमें तो आपको हेल्प मिली होगी कि आपको बेसमेंट जब सर्च करनी है तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि कैसे सर्च करनी है, आप कौन सी सिटी में जा रहे हो, वहाँ बस फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं, एम्प्लॉयर से, यूनिवर्सिटी से कितना दूर है हमारी बेसमेंट, और वो लोग कैसे हैं, मतलब वो लोग क्या, उनकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, क्या वो कपल को रखना चाहते हैं, क्या वो स्टूडेंट को रखना चाहते हैं। क्लैरिटी पहले ही होनी चाहिए कि वो सिर्फ मतलब एक बच्चे के साथ भी एडजस्ट कर लेंगे। और आपको ये भी देखना होता है कि ऊपर फैमिली में कौन कौन रहता है, कई बार क्या होता है कि तीन चार बच्चे ही होते हैं छोटे छोटे, तो सारा दिन ना वो चलते हैं, यहाँ पर कुछ चलता भी है ना ठाँ ठाँ करके, तो बहुत आवाज़ें आती है। मैं लकी हूँ कि ऊपर बड़े हैं, मतलब लड़की भी बड़ी है और बुजुर्ग कहते रहते हैं, तो वो इतना नहीं चलते, इतना बिल्कुल परेशानी नहीं होती, ना रात को ना सुबह, तो वो भी आपने देखा है, ऊपर देखना होता है कि ऊपर पार्टी पीपल तो नहीं रह रहे, आप सो ही नहीं सकते, ये इंडिया नहीं है, यहाँ पर ऊपर चले तो आवाज़ ना, यहाँ लकड़ी के घर बने होते हैं तो आप बहुत आवाज़ आती है, तो ये भी चीज़ देखनी है आपने, ठीक है। तो शुरू में तो चलो एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, बट यू मस्ट हैव नॉलेज कि ऊपर कौन कौन रहता है, ठीक है। और मैंने बेसमेंट को तो बता ही दिया कि ये चीज़ें आपको पूछनी है ओनर से कि कितने रूम हैं, और रूम में अगर किचन है तो उसमें कुकटॉप कौन सी है, हमारी हॉट प्लेट है उसमें दो तीन ऑप्शन होते हैं, मैंने आपको बताया था कि एक हॉट प्लेट होती है, एक इंडक्शन होता है और एक गैस होती है। गैस तो होने का मतलब ही नहीं, इंडक्शन या हॉट प्लेट में से दो चीज़ में से आपको एक चीज़ मिलेगी। तो हमें हॉट प्लेट मिली हुई है, तो हमने एक छोटा सा इंडक्शन खरीद लिया था, उसी में ही खाना बन रहा है। तो यहाँ पर एक इंस्टा पोर्ट बहुत फेमस है, इंस्टा पोर्ट में दालें बन जाती हैं, मतलब खाना बन जाता है, वो आप सर्च कर सकते हो। अब और मैं अगले आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप फर्स्ट क्लास एक बेसमेंट कैसे देख सकते हो, और यहाँ पर सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आपने खरीदी हैं वो कम रेट पे या फ्री में कैसे ले सकते हो। ये मतलब इतने सारे ग्रुप्स बने हुए हैं जहाँ पर लोग फ्री में न्यू, मतलब नई चीज़ें ही फ्री में निकाल रहे होते हैं, क्योंकि उनको उससे रिड ऑफ होना होता है कि हमारे घर से बस कोई ले जाए,
बिल्कुल नई नई चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको फॉर एग्जाम्पल ही बता देती हूँ अभी, वेट, जैसे हमें ये चीज़ की ना ज़रूरत थी, आइकिया का है तो ये कहीं पर फ्री लगा हुआ था, तो हम अब हमारे पास कार है तो हम उठा लाए वहाँ से। वैसे ये $10 का होता होगा, बट इस ऐसी तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी सोफ़ा बेड वो भी, वो आप कैसे फ्री मार्केट से उठा सकते हो इनिशियल टाइम में, जब आपके पास इतने पैसे नहीं है और वो सब कुछ। वो उसकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बढ़ती है तो फिर मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मैं नए नए वीडियो फिर बनाने के लिए उत्साहित होती हूँ। ठीक है, तो फिर नए वीडियो में मिलते हैं, और वो मैं उसमें बताती हूँ आपको कि हम बेसमेंट को ढूंढ कहाँ से सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।